दोस्तों, जब भी हम ट्रेन के टिकट का रिजर्वेशन कराते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से कराते हैं, एमपी ऑनलाइन में जब जाके, तो हम लोगों को ये बड़ा सा चिट्ठा पकड़ा दिया जाता है, इतना बड़ा सा, और बोला जाता है कि आपकी ट्रेन की टिकट जो है कंफर्म नहीं है, आरएसी में है और मैं आरएसी में आपका टिकट बुक कर देता हूँ। तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि अगर आप यदि ट्रेन की टिकट बुक कर देते हैं तो चांसेस होते हैं कि आपको सीट कंफर्म सीट मिल जाए। जैसे कि ये ट्रेन की टिकट मैंने बुक कराई थी, देख सकते हैं यहाँ से, तो मेरे को यहाँ पे इंदौर जाना था, तो यहाँ से मैं देख सकते हैं उमरिया से मैंने कराया था, इंदौर के लिए मैंने यहाँ पे कराया था। तो गाइज़ ये कंफर्म नहीं है मेरी ट्रेन की टिकट, आप देख सकते हैं, ये आरएसी पे बुक कर दिया था और उसने बोला था ये आपकी कंफर्म हो जाएगी, पर हमें इसे खुद ही चेक करना पड़ता है। तो गाइज़ इसमें एक नंबर होता है जिसको नंबर बोलते हैं, PNR नंबर बोला जाता है, जिसके माध्यम से हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि इजली मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं RAC 61 पे है, और जब मैं यहाँ पे करंट स्टेटस में देखेंगे तो यहाँ पे 57 हो गया था ये गाइस, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जब मैंने इसकी पेमेंट कर दी थी तो ये 57, मतलब 4 सीटें कम हो गई थी। तो इस तरह कम हो जाएगा, उसने बोला भी था कि आपकी कंफर्म हो जाएगी, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो ये सारी स्लिप है, तो PNR नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, और ये है PNR नंबर, और इसे मैं मोबाइल से आपको सर्च करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो इस पूरा लाइव दिखाऊंगा कितना कितना इसमें वेटिंग गया या फिर कितनी कम हो गई सीटें, ये सारी चीज़ बताऊंगा। तो मैं गाइस सबसे कॉमन ऐप का यूज़ करूँगा, वेयर इज़ माई ट्रेन, जो सबके पास होता है जो ट्रेवल करते हैं, तो देखने के लिए तो रहता ही है ये ऐप, हम हमेशा रहता है। तो यहीं पे आपको PNR नंबर मिल जाता है, यहाँ पे सेकंड नंबर का ऑप्शन, तो यहीं पे मैं इंटर कर लेता हूँ जो नंबर है, तो यहाँ पे मैं इंटर कर लेता हूँ 67 26 68, और है यहाँ पे 2 0 1 3। फाइंड PNR स्टेटस पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन रेलवे का पूरा आ गया पैसेंजर डिटेल्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये इस प्रकार का पेज ओपन होगा, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक बार आपको फिर से सबमिट करना होगा, और यहाँ पे लिखा भी ऑटोमेटिकली नंबर आपको फिल मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको ये सॉल्व करके यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है ना, जो भी हो। तो जैसे मेरा ये हो जाएगा 61, तो इसे मैं इंटर कर लेता हूँ और सबमिट पे क्लिक कर देना, आपके में अलग होगा। और गाइस देख सकते हैं सारी डिटेल्स आ जाएंगे, जो जो स्लिप में है सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, और यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन का, अब यहाँ पे RAC, ये करंट स्टेटस देख सकते हैं 50 है RAC, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। और आपको इसमें दिखा दूँ, जब मैंने इसको किया था तो करंट स्टेटस 57 था, तो ये कम होता जाता है गाइस, और मतलब जब ट्रेन चलने वाली होती है उसके पहले तो कम हो ही जाता है, मतलब 50 तक तो क्लियर ही कम हो ही जाता है, क्लियर हो ही जाएगा। और गाइज़, और एक बात और, अगर आप चेक नहीं कर पाते हैं तो आपके में मैसेज भी आ जाता है कि आप जब ट्रेन चलने वाली होती है कि आपका कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, तो देख सकते हैं अभी 50 वेटिंग है मेरा। तो इस प्रकार से आप इजीली चेक कर सकते हैं कि इस प्रकार से PNR नंबर चेक कर सकते हैं।